हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वजीर एक्स पे आप लोग अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वजीर एक्स पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आप लोगों को वजीर एक्स का साइनअप लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को ब्राउजर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप लोग क्रोम ब्राउजर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे साइन अप नाउ है, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आ रहा है कंसेंटमेंट बॉक्स, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद साइन अप पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के पास एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, जो आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर किया है। मेरा यहाँ पे वेरिफिकेशन मेल आ गया है, उस पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल एसएमएस है, इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप लोग अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप लोग वजीर एक्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने प्ले स्टोर से। उसके बाद उसे ओपन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ ऊपर में लेफ्ट साइड में सेटिंग का आइकन है, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने साइनअप तो पहले ही कर लिया है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट है, ऑथेंटिकेट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का दिखेगा। उसके बाद नीचे आ रहा है वेरीफाई योर अकाउंट, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे विदाउट केवाईसी, विथ केवाईसी, तो आप लोगों को कंप्लीट केवाईसी करना है, इसलिए कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फो यहाँ पे एंटर करना होगा। आप अपना नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, यहाँ पे स्टेट, सिटी एंटर कर लेना है। उसके बाद पिन कोड, उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर आप लोगों को एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों को अपने पैन कार्ड का यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। आप लोग यहाँ पे अपलोड वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना पैन कार्ड अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइप में आधार, पासपोर्ट और डीएल आ रहा है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर डालना है, यहाँ पे उसका फोटो अपलोड करना है, फ्रंट और बैक दोनों का। अब आगे आप लोगों को सेल्फी अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को होल्ड करते हुए। यहाँ पे आप लोग सैंपल देख रहे होंगे कि यहाँ पे आईडी होल्ड करते हुए सैंपल दिया हुआ है, तो आप लोग जो भी आईडी यहाँ पे दीजिएगा, आधार, डीएल या पासपोर्ट, उसको हाथ में लेकर के एक सेल्फी क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट फॉर वेरिफिकेशन है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे केवाईसी डिटेल्स रिसीव्ड आ रहा है। जनरली ये कुछ मिनट में वेरिफिकेशन हो जाता है, बट इन सर्टेन केस ये 2 से 3 दिन लग सकता है। बट अभी आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, डिपॉजिट क्रिप्टो कर सकते हैं, डिपॉजिट INR कर सकते हैं, बट विड्रॉल नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, जब तक कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। उसके बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अर्न 50% कमीशन ऑन योर फ्रेंड्स ट्रेडिंग फी। अगर आपके लिंक से आपके फ्रेंड कोई वजीर एक्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, ट्रेड करेंगे, तो उनके ट्रेडिंग फी का 50% आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद बैक आइएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करना है, तो आप लोग अपना अकाउंट नंबर एंटर कर लीजिएगा, रेंटर अकाउंट नंबर कर लीजिएगा, IFSC कोड एंटर कर लीजिएगा, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट, यहाँ अकाउंट टाइप से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट में UPI दिख रहा होगा बैंक अकाउंट के बगल में, तो आप लोग उस पे क्लिक करके अपना UPI ID भी यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। थोड़ा वेट कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों के पास मेल आ जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। आप लोग इसे सेटिंग में जा करके देख सकते हैं। अगर वेरीफाई हो जाएगा तो आप लोगों का वहां पर नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शो करेगा। इसके बाद बाकी का चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे फंड डिपॉजिट करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्रॉफिट अर्न करना है, कैसे विड्रॉल लेना है, ये सारी ही चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।